नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। आज पूरे विश्व में कोरोना संकट गहराता जा रहा है। लाखों लोग इस संक्रमण के शिकार हो चुके हैं और हजारों लोगों की जानें जा चुकी हैं। आज पूरा विश्व इस महामारी से लड़ने के लिए नए नए प्रयत्न कर रहा है ताकि इस बीमारी को फैलने से रोका जा सके। आज प्रत्येक समाचार पत्र अथवा सोशल मीडिया पर सिवाय कोरोना की खबर के और कोई अन्य खबर कम ही देखने को मिल रही है। चाहे वह कोई चैनल है या फिर कोई समाचार पत्र, हर तरफ कोरोना महामारी को लेकर खबरें चल रही हैं। इन्हें चलाने वाला अथवा लिखने वाला और कोई नहीं बल्कि एक पत्रकार ही है, जो कि आज के समय में कोरोना योद्धा से कम नहीं है। कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए सरकार ने स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी तथा अन्य कई कर्मियों को सुरक्षा बीमा भी दिया है और भी कई अन्य सुविधाएं उन्हें प्रदान की जा रही है। स्वास्थ्य कर्मियों को PPI किट प्रदान की गई है तथा अन्य कर्मियों को दस्तानों के साथ मास्क तथा अन्य कई उपकरणों से अपने आप को संक्रमण से बचाने के लिए संसाधन प्रदान किए गए हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पत्रकार समाज एक ऐसा समाज है जो कि समाज की प्रत्येक खबर को सरकार अथवा प्रशासन के साथ प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने का काम करता है, लेकिन इन्हें सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिल रही है। पत्रकार भी संक्रमण के खतरे के बावजूद अपने स्तर पर दिन और रात एक करके पल पल की अपडेट जनता और सरकार तक पहुंचा रहा है। लेकिन दुखद बात यह है कि अभी तक पत्रकारों को कोरोना योद्धा की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। पत्रकारों को कोरोना योद्धा की लिस्ट में शामिल ना करना बड़े ही दुख की बात है। इससे पत्रकारों का मनोबल भी टूटेगा। सरकार द्वारा अन्य कोरोना योद्धाओं को 50 लाख रुपए का सुरक्षा बीमा देना एक सराहनीय काम है। पुलिस, डॉक्टर, सफाई कर्मी कोरोना से लड़ने वाले ऐसे योद्धा हैं जिन्हें सरकार से पहले ही वेतन मिल रहा है। अब इस महामारी के दौरान उन्हें सुविधाएं उपलब्ध करवाना अत्यंत सराहनीय काम है, लेकिन पत्रकारों की सूचना लेना भी ठीक नहीं है। वायरस के खिलाफ इस जंग में बिना संक्रमण की परवाह किए बिना लोगों की सेवा व कोरोना से बचाव के प्रसार प्रचार में दिन रात जुटे इन पत्रकारों को भी संक्रमण हो सकता है। इसलिए आवश्यक है कि सभी पत्रकारों को कोरोना योद्धा की लिस्ट में शामिल कर उनका सुरक्षा बीमा का प्रावधान भी सरकार को करना चाहिए। पत्रकारों की भी अपनी पारिवारिक जिम्मेवारियां हैं जिन्हें इनके बीच सहारे की जरूरत है। यह बात अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य पंकज पुनिया ने कही। इस बाबत उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को एक पत्र भी लिखा है। अपने पत्र के माध्यम से पंकज पुनिया ने सरकार को लिखा है कि वह शीघ्र ही पत्रकारों के हित के लिए अथवा उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उनका भी सुरक्षा बीमा करवाए। पत्र के माध्यम से उन्होंने सरकार को आग्रह किया है कि पत्रकार संसाधन विहीन होकर भी कोरोना वायरस खतरे के बीच पत्रकारिता के दायित्वों का पूरी तरह से निर्वहन कर रहा है। अब आप देखिए कि पंकज पुनिया ने क्या कुछ कहा। करनाल से संवाददाता तरुण मदान की रिपोर्ट। क्या है कि जिस तरह से दूसरे कर्मचारी लगातार इस वैश्विक महामारी में लोगों की जान माल और सुरक्षा करने पर लगे हुए हैं, उसी तरीके से हमारे पत्रकार साथी जो दिन रात इस वैश्विक महामारी में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम कर रहे हैं और हर अपडेट जनता तक पहुंचाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके जीवन पे भी ये लगातार खतरा बना हुआ है इस वैश्विक महामारी के अंदर, जिसमें आज लोग घर से निकलने से डरते हैं और हमारे पत्रकार साथी उस वैश्विक महामारी के बीच में गली गली मोहल्ले मोहल्लों में जा कर के इसका कहीं ना कहीं प्रचार भी कर रहे हैं और जो वहाँ पे घटनाएं घट रही हैं उनको लगातार हमारे बीच में घर पे हमें दिखा रहे हैं। तो जिस तरह से दूसरे कर्मचारियों को सरकार ने सहायता प्रदान की है, उनको उनके जीवन के लिए बीमा एक सुरक्षा योजना दी है, उसी तरह से मैं समझता हूँ कि केंद्र सरकार को और प्रदेश सरकार को कहीं ना कहीं हमारे पत्रकार साथियों के जीवन की रक्षा के लिए, उनके परिवार के लालन पालन के लिए, कि भगवान न करे कोई ऐसी किसी साथी के साथ कोई अनहोनी हो जाए तो उसके परिवार को कोई ज़्यादा तकलीफ हो, उसके लिए एक बीमा अगर सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार उन साथियों का करे और उनको एक ऐसी सहायता बनाए
कि जिससे उनके परिवार को एक सुरक्षा महसूस हो और वो भी अपने कार्य को लगन के साथ कर सकें। तो मैं समझता हूँ कि सारे लोग इस वैश्विक महामारी में जोरदार तरीके से मिलकर इस पर लड़ सकते हैं, इसमें काम कर सकते हैं। तो सरकार इस बात पर विचार करे और जल्द से जल्द उन साथियों के लिए इसका प्रावधान करें। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.